नमस्कार, मैं हूं कविता। मुंह में राम और बगल में छुरी, ये कहावत पाकिस्तान की नई नवेली सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। पाकिस्तान शायद ये बात समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे करना क्या है। उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत को एटमी ताकत की धमकी देते हैं, तो आर्मी चीफ कश्मीर को लेकर आग उगलना शुरू कर देते हैं। दरअसल भारत के साथ 1965 के युद्ध की वर्षगांठ को पाकिस्तान रक्षा दिवस के तौर पर मनाता है। 6 सितंबर को इसकी 53वीं वर्षगांठ थी और इस मौके पर आर्मी चीफ कमर बाजवा ने एक बार फिर से कश्मीर का राग छेड़ दिया। बाजवा ने कश्मीर के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि वो कश्मीर के भाइयों और बहनों की उनकी आज़ादी की लड़ाई में दी जाने वाली कुर्बानी के लिए सलाम करते हैं। बाजवा जब ये बात कह रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति ममनून हुसैन भी सामने बैठे हुए थे। बाजवा ने कहा, पाकिस्तान की रक्षा में देश ने अब तक 76,000 सैनिक खोए हैं। इनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। सरहद पर जो लहू बह चुका है और जो बह रहा है, सभी का हिसाब लेंगे। कोई भी खून बर्बाद नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान कितने दो मुहे सांप की तरह है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ कमर बाजवा जिस मंच पर बदला लेने और भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहे थे, उसी मंच से पीएम इमरान खान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक सहयोग और समाधान निकालने की बातें कर रहे थे। बाजवा की धमकी के बीच इमरान खान शांति दूत बनकर आए और कहा, पाकिस्तान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है और अपने पड़ोसियों और पूरी दुनिया के साथ समानता के अधिकार पर पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। तो कश्मीर पर इमरान खान ने कहा कि क्षेत्र में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालना अनिवार्य है। बाजवा का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है और इसके लिए आर्मी चीफ ने गुपचुप तरीके से भारत को संपर्क भी किया। हालांकि भारत की तरफ से इस पर अभी किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। दरअसल पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं कसेगा, तब तक उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जा सकती है। बाजवा के इस बयान से साफ हो गया है कि पाकिस्तान में भले ही सरकार बदल जाए, लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदलने वाली है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।